नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हैं आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन सा प्लान लेकर। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो हमारा, अगर आपको थंबनेल अच्छा लगा हो, वीडियो का फ्रंट एलिवेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे इस बेहतरीन से प्लान का। अगर आप भी घर बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस प्लान को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये लो बजट और बेहतरीन सा प्लान हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी। साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आप इस प्लान को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके रूम का साइज क्या है, बेडरूम का साइज क्या है, सारा डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो काफी लो बजट होने वाला है। मैंने ऐसे जो वीडियो में क्रिएट करता हूं, मैं ज्यादातर ये कोशिश करता हूं कि जो भी आप घर बनवाएं उसका बजट ऊपर ना जाए, आपके एक लिमिट में बजट रहे। तो पूरा मॉडल डिस्क्राइब करने से पहले आप हमारी वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें, जिसका नाम है smallhouseplan.com। और यहां पर आपको बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन घर से रिलेटेड, बनवाने से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो चलो पूरा डिटेल जानने के लिए हम आपको ले चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक बेहतरीन सा प्लान हम लेकर आए हैं जो आज डिस्कस करने वाले हैं। एक कॉर्नर का प्लॉट है, मतलब कि दो साइड रोड है, एक फ्रंट और एक साइड। इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो तो लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर एक ऐसा प्लान दीजिए जो मिक्सर हो, मतलब कि कॉर्नर का प्लान हो, फ्रंट में भी आपका रोड हो, साइड में भी हो। इस वजह से इधर भी रोड है, इसलिए मैंने विंडो और एक छज्जा भी आपका साथ में आपने निकाला है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। साइज है 20x30, 600 स्क्वायर फीट का ये मॉडल है, 20 फीट इसका फ्रंट है, 30 फीट इसकी गहराई है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं जो हम आपसे बता रहे थे। इसे हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि क्या मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। यहाँ पर शुभ और लाभ का भी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट दिया है, आप देख सकते हैं। बेहतरीन सा मॉडल, ये एक बारंदा टाइप का देखने को मिलेगा, ये आपकी बालकनी भी देखने को मिलती है, बेहतरीन सी टॉप व्यू आप देख लें। तो यही पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये आप जो एक साथ मैंने बना दिया है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, ये आपको डिजाइनिंग के पर्पज से चीज़ें हैं। ये ग्लास को मैंने यूज किया है एक बेहतरीन सा लुक देने के लिए। आप जैसे इधर चढ़ेंगे, आपके इधर भी रोड है, इस वजह से विंडो वगैरह मैंने दिया है। आप अपने इस पर चढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं टॉप व्यू, पहले मैं आपको दिखा दूं कि ऊपर से आपका घर ऐसा दिखने वाला है। तो सबसे पहले ये आप बारंदे में चढ़ते हैं, इसके बाद ये आपकी स्टेयर्स हैं, आप इधर से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर वापस आ जाएंगे। मैंने बारंदे से ही स्टेयर्स को दिया है, बाहर स्टेयर्स को दिया है। इसका मेन डोर ये है जहाँ से एंट्री करेंगे। अंदर जाते ही आप देखिएगा एक ये इसे मैंने क्लोज नहीं किया, हालांकि मैं इस वॉल को यहाँ से यहाँ तक खड़ा कर सकता था तो आपका एक बड़ा सा बेडरूम हो जाता, बट मैंने इसे ओपन रखा। आप डाइनिंग हॉल, आप ना हॉल या ड्राइंग एरिया कैसे भी इसे इस्तेमाल कर सकते, एज अ रूम भी इस्तेमाल कर सकते इस एरिया को। वहीं बात करते हैं इधर की। तो ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये आपका किचन है जो मैंने क्रिएट किया है, इसके बाद ये आपका लेटेंट बाथ मैंने क्रिएट किया है, ये आपका एक बेडरूम और मैंने बनाया है। अगर आप चाहते हैं तो आप किचन को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, अपना ओपन किचन, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है और इधर साइड से विंडो भी दिया है वेंटिलेशन के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन भी होता रहेगा। इससे वाले बेडरूम में भी वेंटिलेशन के लिए विंडो मैंने दिया है विथ फ्रेम। तो ये एक आप ऐसे बेडरूम समझे, डाइनिंग हॉल समझे, कुछ भी समझे आप, और इसके आप बाद ये बेडरूम, ये आपका किचन, ये लेट बाथ। अगर आप अपना किचन यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो ये वाला एरिया को आप लेट बाथ बना सकते हैं या पूरे एरिया को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑप्शनल चीज़ें रखी हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर, अब देखिएगा यहाँ पर जो छज्जा मैंने निकाला है, यहाँ पर देखिए लगभग 2.5 फीट का इसमें बीम भी दिया है, इधर भी वही बिल्कुल सेम कैटेगरी मैंने बना रखी है, आप देख सकते हैं। पूरा फ्रंट से आप देखें कितना बेहतरीन सा मॉडल, मैं जूम करके दिखाता हूँ ये कॉर्नर का प्लॉट। बात करते हैं इसके फर्स्ट और लास्ट फ्लोर की। तो जैसे आप स्टेयर्स यहाँ पर थी, तो इसी को मैंने पूरा स्टेयर्स और लेट बाथ को कंबाइंड करके एक बना दिया है, और यहाँ पर ये देखिए इसे कंप्लीट कर दिया डिजाइनिंग को। यहाँ पर डोर जो इससे आप छत पर आएंगे, और चारों तरफ का 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, दोनों तरफ ग्रिल है, फ्रंट में भी साइड में भी, क्योंकि इधर भी आपका रोड है इस वजह से। लास्ट में मैंने इस बेडरूम को, इस वाले छज्जे को कवर कर दिया है छत से। तो ये पूरा बेहतरीन सा मॉडल 20x30 600 स्क्वायर फीट में बनकर रेडी हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इस मॉडल की लागत की, तो लगभग आप 5 से 6 लाख रुपए में इस मॉडल को बनवा सकते हैं।
क्योंकि एरिया कम है, आसानी से इस मॉडल को 5 से 6 लाख रुपए में बनवाया जा सकता है। हो सकता है फिनिशिंग आपकी इतनी ना आए 5 से 6 लाख रुपए में, ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, वेरी करता है कहाँ पर कितनी कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट कितनी है, मटेरियल कॉस्ट कितनी है। तो ये पूरा वीडियो, अगर आप इसका 2D प्लान चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट स्मॉल हाउस प्लान को जरूर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर इसका 2D प्लान में दोस्तों रूम का साइज क्या है, किचन वगैरह सबका डिटेल वहां दिया होगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये मॉडल, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम दोस्तों पेड सर्विस भी चलाते हैं, अगर आप हमसे कोई भी मॉडल क्रिएट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी जो पेड सर्विस है उसमें 50% पेमेंट आपको एडवांस करना होता है, 50% बाद में, इसका विशेष ध्यान रखें। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें जो आपके साथ फ्रॉड करे, जब आपकी हमसे बात हो जाए तभी आप पेमेंट करें, इसका विशेष ध्यान रखें। तो इस वीडियो को ही ब्रेक करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके लिए एक बेहतरीन सा मॉडल लाने की फिर से कोशिश करेंगे। इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।